वेलकम टू माय चैनल डीडीसी रेसिपीज। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें क्योंकि इसी से आपको मेरी सारी वीडियोस के अपडेट्स मिलेंगे। तो चलिए हम रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। KFC जैसा क्रिस्पी और टेस्टी फ्राइड चिकन घर में बनाने के लिए मैंने लिया है ये 6 ड्रमस्टिक यानी कि लेग पीस हैं ये। मैंने इन्हें अच्छे से वॉश कर लिया है और 30 मिनट पहले फ्रिज से बाहर निकाल दिया। आप कभी भी चिकन को ठंडा कभी भी फ्राई ना करें, नहीं तो बहुत ज़्यादा ऑयल एब्जॉर्ब कर लेता है। तो एक हम बनाते हैं मिक्सचर। इसके लिए मैंने लिया है आधा कप दही, 2 बड़े चम्मच नींबू का रस। ये हम एक एसिडिक जो है ना एक मीडियम तैयार कर रहे हैं, मैं बताऊंगी क्यों। 1 बड़ा चम्मच मैंने डाला है इसमें लाल मिर्च पाउडर, 1 छोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर यानी ब्लैक पेपर पाउडर, 1 छोटा चम्मच नमक और 1.5 बड़ा चम्मच मैं ले रही हूँ जिंजर गार्लिक का पेस्ट यानी कि अदरक लहसुन का पेस्ट है। ये मार्केट में इसी तरीके से मिल जाता है, तो इसमें भी हल्का नमक होता है तो ध्यान से नमक डालें। 1 छोटा चम्मच मैं डाल रही हूँ मीट मसाला, आप चाहें तो इसकी जगह चिकन मसाला या फिर गरम मसाला या फिर मैगी मसाला भी यूज़ कर सकते हैं, उससे बहुत अच्छा इस पर फ्लेवर आ जाता है। 3 बड़े चम्मच पानी डालकर हम इसका एक घोल तैयार करेंगे जो कि जैसे मैंने अभी बताया एक एसिडिक मीडियम तैयार कर रहे हैं। इससे क्या होता है कि चिकन के जो अंदर से रेशे होते हैं ना वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो जाते हैं, लूज़ हो जाते हैं, तो जब हम इसे फ्राई करते हैं तो एक तो बहुत जल्दी फ्राई हो जाते हैं, पक जाते हैं और दूसरा अंदर से बहुत ही सॉफ्ट और मॉइस्ट बनते हैं। जो हम जो फ्राई करते हैं ड्राइनेस आती है ना कभी कभी, तो वो नहीं इसमें बिल्कुल नहीं आती है। तो इस तरीके से इसको अच्छे से इसमें मिलाकर 1 घंटे के लिए हम इसे छोड़ देंगे मैरिनेट होने के लिए। आपके पास टाइम हो तो आप इसे 2 घंटे के लिए भी छोड़ सकते हैं, उससे बहुत अच्छे सॉफ्ट हो जाएंगे ये। तो मैंने अपने चैनल पे ना एक बहुत इजी और टेस्टी चिकन बिरयानी की रेसिपी शेयर करी है, उसके व्यूज़ 1 मिलियन से भी ऊपर हो गए हैं, वो आप चेक कर सकते हैं। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगी आपको। तो ये तैयार हो गए हैं, रखते हैं अलग और हम एक मिक्सर तैयार करते हैं जो कि चिकन को बहुत अच्छा एक क्रिस्प देगा। तो उसके लिए मैंने लिया है 1 कप मैदा यानी ऑल पर्पज़ फ्लावर है ये, और 1 कप मैं ले रही हूँ ब्रेड क्रम्स। ब्रेड क्रम्स आप घर पे भी तैयार कर सकते हैं, ब्रेड को हल्का सेक कर उसको कड़क कर कर और मिक्सी में पीस लें तो बस ब्रेड क्रम्स तैयार है जो कि चिकन को बहुत अच्छा क्रिस्पी बहुत ही करारे बनाएंगे। 1 छोटा चम्मच मैंने डाला है इसमें लाल मिर्च पाउडर, साथ में 1 छोटा चम्मच नमक और 1/2 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर से जो है ना फ्राई करते समय इसमें बहुत अच्छा एक गोल्डन कलर आता है, तो अच्छे से मिक्स कर लेते हैं इन सब चीज़ों को। बस हमारा ये तैयार हो गया है मिक्सचर और यहाँ हमारा चिकन भी देखिए 1 घंटे से मैरिनेट हो चुका है। तो इसको अच्छे से ऐसे लें और थोड़ा इसका वाटर से पानी जो है ना हल्का सा झाड़ लें और इसको जो है अच्छे से ब्रेड क्रम वाले मिक्सचर के साथ कोट कर लेंगे। अच्छे से चारों तरफ से हमें ये मिक्सचर इस पर लगाना है, हल्का दबा भी आप इसको सकते हैं ताकि अच्छे से ये बैठ जाए मिक्सचर इस पर। तो बस इसी तरीके से हमें सारे ड्रम स्टिक को तैयार करना है। और इस तरीके से तैयार करने के बाद 10 मिनट हम इसे छोड़ देंगे सेट होने के लिए। तो 10 मिनट के बाद आप देख सकते हैं अच्छे से ये इस पर लग गया है मिक्सर, चिपक गया है। तो हम चलते हैं इसे फ्राई करने की तरफ। तो ऑयल मैंने ऑलरेडी फ्राई करने के लिए गर्म कर लिया था, ये मीडियम हाई तेल गर्म है। आप हल्के गरम तेल पे इसको बिल्कुल फ्राई ना करें, इससे क्या है कि ऑयल एब्जॉर्ब कर लेगा और बहुत ज़्यादा तेज में भी करेंगे तो जल सकते हैं। तो ध्यान रखिए ऑयल का और उलट पुलट करके इसको हमें गोल्डन ब्राउन फ्राई करना है। 6-7 मिनट या 8 मिनट में मैक्सिमम ये बिल्कुल बन जाते हैं। तो ये देखिए आप देख सकते हैं कितना अच्छा इसमें गोल्डन ब्राउन कलर आया है, बहुत ही अच्छे हमारे ये चिकन फ्राई हुए हैं। वैसे ही सारे चिकन को हम फ्राई कर लेंगे। देखिए आप देख सकते हैं कितने टेस्टी लग रहे हैं ना, बहुत ही यमी एंड डिलीशियस ये बने हैं। मैं भी आपको दिखाऊंगी अंदर से भी ये कितने सॉफ्ट और कितने मॉइस्ट बने हैं। ये देखिए कितनी आसानी से देखिए ये इसमें से निकल जा रहा है, आप देख सकते हैं बहुत टेस्टी बने। अब आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, घर पर ही आप फ्राइड चिकन बनाकर इंजॉय करिए। रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए हेल्दी रहिए, खुश रहिए।